नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं इस समय घर से निकला हूँ, आज सैटरडे है और सोचा यार थोड़ा घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, चलो आपको थोड़ा एक मिनी ब्लॉग बना के दिखाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग बन नहीं रहा था और चैनल भी डाउन जा रहा है, तो मैं कंटिन्यूटी के लिए अब एक बार कंटिन्यू करूँगा इसके अंदर। तो अभी मैं इस समय जा रहा हूँ दिल्ली अशोक नगर कुछ काम से, तो आज देखते हैं यार। आज अभी मेरी अवेंजर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी टाइम से मैंने इसको, मुझे लिए हुए करीब 2 साल हो चुके हैं, सितंबर में 2 साल हो जाएगा और करीब ये 27,000 किलोमीटर होने वाली है। आप देख सकते हो, देखो 27,307 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी है और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है इसका। एक बार मेरा चैन सेट चेंज हुआ है इसका। बाकी यार मैं वीडियो पे नहीं जाऊंगा किसी के भी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अवेंजर मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट गाड़ी है, बेस्ट बाइक है अवेंजर। अगर आप चलाते हो ना, बिल्कुल कंफर्टेबल, कंफर्ट का बाप है। अभी मैं चला रहा हूँ, बहुत आराम से चला रहा हूँ, क्योंकि इसको देखो पैर बिल्कुल आगे लगे हुए मिले और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ABS भी बहुत अच्छा है इसका। अभी क्या है, ब्रेक शूज़ वगैरह काफ़ी घिसे हुए हैं, फिर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैंने अभी इसमें 27,000 किलोमीटर में 2 बार ब्रेक शूज़ चेंज कराया और 1 बार जो डिस्क पैड होता है ना, जो पूरा वो 1 बार चेंज कराया मैंने। बाकी 160 जो है काफ़ी अच्छी एवरेज मेरी कंटिन्यू, अगर मैं इसको देखूं एवरेज, मतलब कभी 42 कभी 45 देती है, लेकिन अगर सारा एवरेज निकालूं तो 45 की एवरेज निकलती है इसकी नॉर्मल। उसमें अगर जैसे आप, जैसे मेरा क्या है यार, मैं घर से निकलता हूँ 9:30, तो ये काफ़ी तेज़ चलाना पड़ता है मुझे 80-90 की स्पीड से, तो 45 की एवरेज दे रही है। इसकी एवरेज भी बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, आप इस पर डाउट नहीं कर सकते इस गाड़ी के ऊपर। और जो गाड़ी, हर गाड़ी को अगर आप चला रहे हो किसी गाड़ी को, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अगर आप सर्विस कराते हो, टाइम टू टाइम आप इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह चेंज कराते हो, तो आपको इस गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना तो कन्फर्म है भाई साहब। आप दोस्तों, आप लोग कभी भी इस गाड़ी को लोगे ना, तो पछतावा नहीं होगा। हाँ, छोटी मोटी यार प्रॉब्लम है इसके अंदर जो ना के बराबर हैं, आप उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि यार जब गाड़ी चलाओगे तो यार प्रॉब्लम तो आएगी। बाकी यार जो दिन में जोमेटो वगैरह कर रहे हैं, इनका यार मानना पड़ेगा इन लोगों को। यार फ़ोन ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया जेब में, उसको सीधा करने का मौका नहीं मिल रहा। अभी आगे खड़े होकर इसको सीधा करता हूँ, कि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि ये थोड़ा सा ना टेढ़ा हो रहा है, कहीं जेब से निकल के गिर ना जाए। चलो आगे रेड लाइट पे करता हूँ इसको। तो ट्रक वाले बहुत चल रहे हैं यार आज। लिखा हुआ है स्वच्छ दिल्ली स्वस्थ दिल्ली, और गाड़ी का हाल देखो। ये आश्रम वाला, जो आश्रम के नीचे अंडरपास बना हुआ है ना, जो सीधा निजामुद्दीन निकलता है, ये वो वाला है। अभी मैं उसी के नीचे से जा रहा हूँ और अभी मुझे निकलना है यहाँ से इंडिया गेट, इंडिया गेट होते हुए अशोका रोड, अशोका रोड से फिर रानी मंदिर मार्ग, मंदिर मार्ग से फिर रानी झांसी रोड, रानी झांसी रोड से फिर देखो वहाँ से, तो मुझे पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा GPS क्या कर रहा है ऑटो वाला। ये आ गया भाई साहब भोगल वाला, भोगल का ये फ्लाईओवर है जो रेलवे लाइन है नीचे, तो अभी हम एंटर करेंगे निजामुद्दीन में, वहाँ से सीधा इंडिया गेट पहुँचेंगे। चलो फिर आगे मिलता हूँ आपसे, और क्योंकि अभी देखो सबसे बड़ी बात है आप लोगों को क्या करना है, कि जब ट्रैफिक में आप गाड़ी चलाते हो ना, यूज ट्रैफिक में, तो कौन कैसे चला रहा है वो नहीं देखना आपने, वो देखना है आपको कि आप कैसे चला रहे हो। आपको अपने आप को बचाना है, किसी को, किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन कैसे चला रहा है, बस अपने आप को अपने सेफ रखना है। सेफ रखने के लिए आपको जैसे भी चलाना पड़े चलाओ, साइड में लेना पड़े, बीच में काटना पड़े, लेफ्ट काटना पड़े, राइट काटना पड़े, क्योंकि यार बाइक है, बाइक को तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर कोई ना कोई मार देगा आपको, तो इसलिए भाई अपने आप को सेफ रखो बाइक पे। ये 2-व्हीलर है, आपको कहीं ना कहीं तो घुसेड़ना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको काटना पड़ेगा। अब आराम से चलोगे तो कोई मार देगा साइड में। अभी देखो मैं रेड लाइट को क्रॉस कर रहा हूँ इस समय, अरे मतलब ग्रीन लाइट क्रॉस कर रहा हूँ, रेड लाइट क्रॉस करूँगा तो अब चलान लग जाएगा फालतू में। भाई साहब मैं अब इंडिया गेट के बिल्कुल उसी सर्कल में जा रहा हूँ। यहाँ बारिश हो रही है क्या?
लग रहा है यहाँ बारिश हो रही है। अजीब सा है मौसम। अभी इंडिया गेट वाला सर्कल है, अब इसमें से मुझे अशोका रोड ढूंढना है। अशोका रोड कहाँ है भाई, अशोका रोड कहाँ है, अशोका रोड कहाँ पर है, मुझे अशोका रोड ढूंढना है भाई साहब। अशोका रोड आगे है, अशोका रोड मुझे लग रहा है वो आगे है, जनपद से भी आगे। अशोका रोड, ये देखो इंडिया गेट, ये रहा इंडिया गेट। आज तो बंद कर रखा गया इन्होंने अभी। अरे छोड़ो इंडिया गेट को, पहले मैं अपना अशोका रोड ढूंढता हूँ भाई। अशोका रोड कहाँ पर है, अशोका रोड यही वाला है? हाँ यार, तभी तो कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था यार वहाँ। देखो बारिश बड़ी तेज़ आ रही है क्या भाई साहब? गोप्रो अब निकालना पड़ेगा लग रहा है मुझे। ओ भाई साहब अचानक से मौसम ख़राब हो गया है तो यहाँ का, यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह है ना, तो इसलिए बारिश लग रहा है यहाँ ज़्यादा होती है। देख लो पेड़ भाई साहब, हर थोड़ी थोड़ी दूर में एक पेड़ है, उधर भी इधर भी, अशोका रोड के ऊपर आप देख लो, कहीं भी आप जाओगे तो इसमें आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे आपको भाई साहब। अगर आप पूरे अशोका रोड पे आ जाओगे ना दिल्ली के अंदर, इंडिया गेट से एंट्री करोगे तो ऐसे पेड़ लगे हुए, देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे 15-15, 20-20 मीटर पे लगे हुए हैं पेड़। तो इतने पेड़ हैं अशोका रोड पे, इतने पेड़ अशोका रोड पे कि भाई साहब मानना पड़ेगा। अरे यार भाई साहब, अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ। अरे ये वजीराबाद वाला जो सिग्नेचर ब्रिज है ना, वो ये है देखो, पहली बार आया हूँ इस ब्रिज पे। इतना घूमता हूँ पूरी दिल्ली, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ। देखो सिग्नेचर ब्रिज है ये, वजीराबाद का सिग्नेचर ब्रिज। लोग यहाँ पर यार काफ़ी भीड़ लगाते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ चालान भी कटने शुरू हो गए हैं कि खड़े नहीं होना यहाँ पर, लोग खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। ये देखो मना करते हैं लेकिन फिर भी लोग खड़े रहते हैं यहाँ पर, काफ़ी सेल्फी वगैरह लेते रहते हैं। एनीवे चलो हम तो चलते हैं, रास्ते में हैं और अपने काम से चलते हैं। बाकी अभी गाज़ियाबाद है यहाँ से 29 मिनट्स, 12 किलोमीटर है।